नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए पितृ पक्ष की एक पौराणिक कहानी लेकर आए हैं। एक समय की बात है, दो भाई थे, जोगे और भोगे, दोनों अलग अलग रहते थे। जोगे धनी था और भोगे निर्धन था। दोनों भाइयों में बड़ा प्रेम था। जोगे की पत्नी को धन का बड़ा अभिमान था और भोगे की पत्नी सरल हृदय वाली थी। पितृ पक्ष आने पर जोगे की पत्नी ने उसे पितृ पक्ष का श्राद्ध करने को कहा, तो जोगे इसे व्यर्थ समझकर टालना चाहता था। लेकिन उसकी पत्नी ने उसे समझाया, अगर हम श्राद्ध नहीं करेंगे तो लोग बातें बनाएंगे। उसने अपने मायके वालों को दावत पर बुलाने का और अपनी शान दिखाने का उचित अवसर समझा और बोली, आप शायद मुझे परेशानी से बचाने के लिए मना कर रहे हैं, लेकिन मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। मैं भोगे की पत्नी को बुला लूंगी और हम दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगे। दूसरे दिन उसने भोगे की पत्नी को बुलाया। वह सुबह सवेरे आई और घर का सारा काम करने लगी। उसने सारी रसोई तैयार करी और काम निपटा कर अपने घर चली गई। उसे भी अपने पितरों का श्राद्ध करना था। ऐसे में उसे ना तो जोगे ने रोका, ना ही जोगे की पत्नी ने। दोपहर हो गई और पितृ धरती पर उतरे। पितृ पहले जोगे के घर पहुँचे तो देखते हैं जोगे के ससुराल वाले भोजन शुरू कर चुके हैं। निराश होकर वह भूखे ही वहाँ से चले गए। अब वह भोगे के घर पहुँचे, वहाँ क्या था, पितरों के नाम पर अग्यारी दे दी गई थी। पितरों ने उसकी राख चाटी और भूखे ही नदी के तट पर जा पहुँचे। थोड़ी देर में वहाँ सभी पितर इकट्ठे हुए और सब अपने यहाँ के श्राद्ध की बड़ाई करने लगे। जोगे भोगे के पितरों ने अपनी आप बीती सबको सुनाई और सोचने लगे, अगर भोगे सामर्थ्यवान होता तो शायद उन्हें भूखा नहीं लौटना पड़ता। मगर भोगे के पास दो वक्त की रोटी भी नहीं है। यह सोचकर उन्हें भोगे पर दया आ गई और वह जोर जोर से गाने लगे, भोगे के घर धन हो जाए, भोगे के घर धन हो जाए। शाम के समय भोगे के बच्चे, जिन्हें सुबह से कुछ खाने को नहीं मिला था, माँ से भोजन मांगने लगे। बोले, माँ भूख लगी है। उन्हें टालने के लिए भोगे की पत्नी बोली, जाओ आंगन में हांडी उल्टी रखी है, उसमें देखो, जो कुछ मिले मिल बांट कर खा लेना। बच्चे वहां पहुंचकर देखते हैं कि हांडी तो मोहरों से भरी हुई है। वो दौड़े दौड़े माँ के पास पहुँचे और माँ को सारी बात बताई। आंगन में आकर भोगे की पत्नी ने मोहरें देखी तो वह हैरान रह गई और इस प्रकार भोगे भी धनी हो गया। मगर धन पाकर वो घमंडी नहीं हुआ। अगले साल पितृ पक्ष आया तो श्राद्ध के दिन भोगे की पत्नी ने कई प्रकार के व्यंजन बनाए, ब्राह्मणों को बुलाकर श्राद्ध किया, भोजन कराया, दक्षिणा दी और अपने जेठ और जेठानी को सोने व चांदी के बर्तनों में भोजन कराया। इससे पितृ बहुत प्रसन्न हुए और तृप्त हुए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की हमारी ये कहानी, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर भेजें। साथ ही साथ आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।